हेलो या उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत यात्रा जोड़ो का जो ये अभियान हमारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है उसके प्रभारी आदरणीय लेट मी पुट डाउन द माइक ज्यादा अच्छी आ जाएगी। हेलो अभी आया आपको हेलो हेलो आ रही है उससे दूर नहीं माइक यहाँ उपस्थित आदरणीय उससे दूर नहीं जयराम रमेश जी हमारी बहन शोभा ओझा जी आदरणीय भाटिया जी मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी आप सभी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण निमाड़ से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ बुरहानपुर से आज मालवा को पार की तरफ उज्जैन के बाद आगर मालवा की ओर बढ़ रही है। जिस प्रकार का रिस्पांस मध्य प्रदेश में यात्रा को मिला है निश्चित तौर से उससे हम सबके हौसले और विशेष तौर पर जो भारत जोड़ो यात्री हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं उनके हौसले में और बढ़ोतरी हुई है। मैं विशेष तौर पर आज ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता को जननायक राहुल गांधी जी की वो बात दिल के अंदर तक उतर गई और उसका असर इतना ज़बरदस्त हुआ है कि पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो आम जन है आपके माध्यम से जो आपने प्रसारित किया था उनका उज्जैन का भाषण महाकाल की नगरी में कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जो असली तपस्वी हैं उनकी अनदेखी दिल्ली में बैठी सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश में बैठी सरकार के द्वारा की जा रही है। आप सबको पता है किसान मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परेशान है जो सबसे ज़्यादा तपस्या अपने खेतों में करते हैं और आपके माध्यम से ये समाचार रोज़ बाहर आते हैं कि खाद के लाइन में खड़ा किसान की मृत्यु हो गई यूरिया लेने जो गया उसकी मृत्यु हो गई उचित दाम फसलों के नहीं मिल रहे हैं पानी की समस्या है और कल की सबसे प्रमुख खबर ये थी कि 2 क्विंटल प्याज 8 रुपये में बिका। हमारे नौजवान परेशान हैं और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है 30 लाख से भी अधिक बेरोजगार तो सरकारी पोर्टल पे ही पंजीकृत हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है। हम महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 और मध्य प्रदेश की आम जनता की एक आस बंधी है आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा से कि जो उनकी समस्याएं थी जब वो उनको सुन रहे हैं तो उन्हें विश्वास है कि सर्वोच्च स्तर पर उन समस्याओं को उठाया भी जाएगा और उनके निदान के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सड़क पर आकर संघर्ष भी करेगी। 15 माह के लिए कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। 2018 में हम 54 से 114 हुए थे और भारतीय जनता पार्टी 164 से 107 हुई थी। बहुमत और जनमत हमारे पक्ष में था। छोटा सा एक समय मिला था काम करने का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और आप सबको पता भी है रिकॉर्ड पे भी है 27 लाख से अधिक किसान भाइयों का मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने कमलनाथ जी की सरकार ने कर्जा माफी की थी। निराश्रित पेंशन जो लोगों को मध्य प्रदेश में मिलती थी उसको बढ़ाकर 300 से 600 किया था और प्रथम बार मध्य प्रदेश में यह निर्णय लिया गया था कि जो भी उद्योग मध्य प्रदेश में लगेंगे उसमें हमारे बेरोजगार युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी चालू की गई थी। बिजली का बिल आप सब पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठे हैं जब आपसे अलग से बात करो तो आप भी इस बात से सहमत हैं कि आपके घर का बिजली का बिल 300-400 रुपये प्रति माह आता था जो आज 3000-4000 आ रहा है। हमारे विशेष तौर पर जो जनजाति भाई बहन हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने मुख्यमंत्री सुषेण स्वास्थ्य योजना चालू की थी कि जितने भी ट्राइबल ब्लॉक मध्य प्रदेश में हैं वहाँ विशेष तौर पर हम
डॉक्टर्स को पदस्थ करेंगे और जिससे वहाँ लोग जो जाते नहीं हैं, हमारे डॉक्टर्स जो जाते नहीं थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो वो शहर में उनको सरकार के द्वारा तनख्वाह दी जाती है उसका डबल पैसा उनको उन ब्लॉक्स में अगर वो जाके काम करेंगे तो दिया जाता। सरकार कैसे गिरी ये भी आपको पता है, किन कारणों से गिरी ये भी आपको पता है। और माननीय कमलनाथ जी ने हमेशा कहा कि कांग्रेस पार्टी और वह खुद सौदेबाजी की राजनीति में विश्वास नहीं करते। ऐसा कोई प्रयास जो लोकतंत्र के और संविधान के खिलाफ था हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने यहाँ पर नहीं किया सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि हमें विश्वास है अपने संविधान पे, हमें विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में जब अगले वर्ष अब ज़्यादा समय बचा नहीं है हम पुनः चुनाव में जाएंगे तो एक अभूतपूर्व मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ होगी और जो बचे हुए हमारे काम थे उनको भी हम पूरा करेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की पदयात्रा में आप सब देख रहे हैं जिस प्रकार का माहौल है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक आगे आकर उनसे मिलने के लिए उत्सुक है, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो आपने शुरुआत की है बहुत समय बाद हमारी जो बातें थी उनको लेकर कोई नेतृत्व करते हुए निकला है और आपके नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है और ये जन क्रांति का रूप ये यात्रा लेती जा रही है। अभी तो आधा पड़ा हुआ है, इसके बाद लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा उनकी और बाकी है और वो तिरंगा जो लेकर चल रहे हैं वो कश्मीर में फहराया जाएगा। उनने हमेशा ये कहा है कि किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, ये यात्रा अपना कार्य पूर्ण करेगी, कश्मीर तक जाएगी। और हम सबको भी ये विश्वास है कि आपका सहयोग, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और सोशल मीडिया हो, आपका सहयोग आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि वो जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो आम जनजीवन से, हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाली हर जनता के जीवन से संबंधित है। हमारे बीच में आदरणीय वरिष्ठ नेता हमारे हम सबके मार्गदर्शक जयराम रमेश जी उपस्थित हैं, वो आगे के लिए जो और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ज़रूर उनसे अवगत कराएंगे। शुक्रिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख शाम को मध्य प्रदेश से हम राजस्थान जाएंगे और 5 तारीख सुबह से लेकर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की जमीन से गुजरेगी। 19 तारीख को अलवर में एक पब्लिक रैली होगा, उसके बाद एक दो दिन हम हरियाणा में जाएंगे और 24 के शाम तक हम दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली में 4-5 दिन का विश्राम होगा क्योंकि हमारे 60 कंटेनर हैं जिसमें हम रहते हैं, 250 भारत यात्री रहते हैं और इन कंटेनरों की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। 80 दिन 90 दिन हो गए हैं तो 3-4 दिन लगेंगे वो मेंटेनेंस के लिए और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी और उसके बाद फिर से हरियाणा में प्रवेश करेंगे हम, उसके बाद पंजाब और मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 26 जनवरी के पहले भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुँचेगी। राहुल गांधी जी श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे 26 जनवरी के पहले, हो सकता है एक दो दिन यहाँ वहाँ, पर 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जम्मू और कश्मीर का प्रोग्राम बनाया। जैसा कि तरुण जी ने कहा, मध्य प्रदेश में सुनाई नहीं दे रहा, क्या सुनाई नहीं दे रहा? एक्चुअली इसको थोड़ा सा और यहाँ खसका दो, वो बहुत दूर है, वो जब पास रहता है ना तो चलता है। ठीक है, चेयर पास में कर लीजिए। अभी तरुण जी ने कहा कि बुरहानपुर से लेकर उज्जैन तक जिस मात्रा में हमें सहयोग मिला है, न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता आए हैं, न केवल कांग्रेस समर्थक आए हैं सड़कों पर ऐसे लोग भी आए हैं जिनका कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है,
प्रदेश से। और मैं कई ऐसे लोगों को मिला हूँ, और कई ऐसे लोग भी थे जो जिनको त्रिशंकु कहा जा सकता है, न कांग्रेस के विरोधी हैं न कांग्रेस के समर्थक, बीच में उनका मन अभी तक बनाया नहीं गया है, और वो भी मौजूद थे भारी मात्रा में। तो सब तरह के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, युवा, महिला, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सब लोग आए थे। और जैसा कि राहुल जी ने भी पहले कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो रिस्पांस इंदौर में मिला और उसके बाद उज्जैन में मिला, मैं समझता हूँ ये बहुत अभूतपूर्व था। और मध्य प्रदेश की जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हम उम्मीद करते थे कि हमें रिस्पांस मिलेगा, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें मिला है। और 3-4 दिन बाकी हैं, फिर भी मैं आज ही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा राज्य सरकार के बाधाओं के बावजूद, ये हमारे सरकार के, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के सामने कर्नाटक में मैंने पहले देखा और अभी मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, जिस तरीके से अलग अलग तरीके अपनाए गए भारत जोड़ो यात्रा के हौसला कम करने में, इंदौर में हमारे पोस्टर निकाले गए, बाद में पुलिस के साथ कुछ तूतू में हुआ, हमारे खिलाफ कोई FIR दर्ज किया गया, आलोचना हुई, ये सब हमने सह लिया। उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हुआ है, और इसका श्रेय PCC सभी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, शोभा ओझा, तरुण भनोट, सभी लोग, PC शर्मा जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, सभी को जाता है। मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के चेहरे हैं, उनके प्रतीक हैं, पर भारत जोड़ो यात्रा एक सामूहिक यात्रा है, एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। 135 लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आज, और सामूहिक तौर से एक होकर, एकजुट होकर मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम किया है इसको सफल बनाने में, मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी आपको जो सवाल पूछने हैं, आप तरुण भनोट जी से पूछिए। दिग्विजय सिंह जी का ये कहना है, उन्होंने तो आभार माना है प्रशासन का कि व्यवस्थाओं को लेकर। देखिए, जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे कोई भी सरकार किसी भी पार्टी हो, कि व्यवस्थाएं पूरी करना चाहिए। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, जो तिरंगा लेकर चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रियों के साथ, ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। और ये दिग्विजय सिंह जी का बड़प्पन है, उन्होंने आभार माना, पर जैसा कि आदरणीय जयराम रमेश जी ने कहा, बहुत सारी दिक्कतें समय समय पर आई हैं, और उन दिक्कतों का सामना हमने किया है, जो किया उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं किया उसके लिए भी धन्यवाद, और कांग्रेस की यही परंपरा भी। सबसे बड़ी दिक्कत हमें सड़कों पर आई है, आज भी मैं कह सकता हूँ, आज भी मुझे चलने में काफ़ी परेशानी हुई, और रोज इंदौर को छोड़िए, इंदौर शहर को छोड़िए, पर बाकी सब सड़कें, बुरहानपुर, खांडवा, खरगोन, और आज सुबह जो 14 किलोमीटर हम चले हैं, हमारी जान में खतरा था और चलने में बड़ी दिक्कत आई, इसके बावजूद 2.5 घंटे में मैंने 14 किलोमीटर पूरा किया। अमेरिका से बेहतर है, ये तो वो बहुत सालों से कह रहे हैं सर से सर। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो प्रश्न नहीं लेंगे, मेरा सवाल ये है, पहले वो उसका जवाब दे दो। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने भी तो वही सड़कों पे चले जिसपे हम चल रहे हैं, अगर बेहतर है और वो जिससे तुलना करते हैं वैसी हैं तो ठीक है, पर मध्य प्रदेश की जनता को तो ये लगता है कि सड़कें बनती बाद में है, बह पहले जाती है। पुल आप सबने देखा कि बरसात में 6-6 महीना पहले बने हुए ब्रिजेस, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज सब बह गए, तो यहाँ तो करप्शन है, सड़कें नहीं है। बना है, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं कि इसको बरकरार रखें आने वाले 6-7-8 महीने तक?
देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमेशा सजग और तत्परता के साथ आम जनता की समस्याओं को उठाती आ रही है। और अभी तो बहुत जल्दी हमारा विधानसभा का सत्र भी आगामी 19 तारीख से ही है, वहाँ भी हम पुरजोर ढंग से मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को उठाएंगे, करप्शन को उठाएंगे, बेरोजगारी को उठाएंगे, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को उठाएंगे, हमारे आदिवासी भाई बहनों पर विशेष तौर पर जो अत्याचार हो रहे उनको उठाएंगे, महंगाई को उठाएंगे। सबसे महंगा मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पूरे देश में है, तो ये हमारा कर्तव्य है। इन कर्तव्यों का हम समय समय पर निर्वहन करते आ रहे हैं और लगातार करते भी रहेंगे। आज की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हो, रोड मैप आप कैसा देखते हैं? आप स्टेट की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, ये तो आप सबको पता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था और जब विभाजन हुआ तो पूरे स्टेट के ऊपर कुल 26,000 करोड़ रुपए का ऋण था, 26,000 करोड़ रुपए का। मैं आपको आज दावे के साथ ये कह सकता हूँ, हकीकत पे, रिकॉर्ड्स पे है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, कि मध्य प्रदेश की सरकार लगभग जितना हमारे ऊपर लोन था जब ये सरकार में आए थे उससे ज़्यादा प्रतिवर्ष सिर्फ ब्याज की राशि बढ़ रही है। और वो सर्वने मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े बोर्ड इन्वेस्टर्स मीट जिसके ऊपर करोड़ों और अरबों रुपए मध्य प्रदेश की जनता के गाड़ी कमाई के पसीने के खर्च किए गए, वो आप देख रहे हैं। सड़कें तो है नहीं, स्कूलों की हालत बुरी है, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे खराब है, कानून व्यवस्था सबसे खराब है। तो ये पैसा गया कहाँ? मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और काम कहीं दिखता नहीं। तो ये सवाल हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहे हैं, इस विधानसभा सत्र में उनसे मांग भी करेंगे कि एक श्वेत पत्र आप लेकर आइए, ये पैसा गया कहाँ, इसका उपयोग और दुरुपयोग आपने क्या किया जिससे जनता को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि ये मीडिया को भी विशेष तौर पर इस बात को उठाना चाहिए कि इतना पैसा कर्जा होने के बावजूद मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के बाकी सभी राज्यों से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और बाकी मामलों में बहुत पीछे हैं, और ये पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पूरा होगा और आपको उससे निजात मिलेगी। जो बेड़ियाँ आपके ऊपर जकड़ी गई है, मैं भी बहुत सारे मित्रों को जानता हूँ चैनल के, तो जब हमारे साथ बैठते तो बोले हालत तो बहुत ख़राब है, और जब हम उनसे जो बात का जवाब बोलते हैं तो वो तो फिर हमें अपने आप हो जाता है, और वो खुद बताते हैं यार ये बेड़ियाँ तो डली है, जकड़े तो गए हैं। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी जिस मिशन को पूरा करने के लिए निकले हैं वो संकल्प 2024 में ज़रूर पूरा होगा, और पूर्ण रूप से जित जो हमारे साथियों की आपकी पीड़ा है उससे हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, उन बेड़ियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अतुल बोरवाल जी, अतुल कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। आप देखिए तो सुबह जब यात्रा शुरू होती है उसके पहले जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता हमारे बड़े से बड़े नेता भी वहाँ उपस्थित होते हैं, कदम ताल करते हुए चलते हैं, कभी कोई थकते हैं उनकी जगह, ये रिले रेस भी है जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ सब कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा नेता आपको अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें आपको दिखा जो पूरी तरीके से साथ में नहीं चल रहा हो, सब साथ में है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम फैलाती है और इस भ्रम का फायदा उठाना चाहती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्रश्न किया है अगर आपने खुद देखा होगा साथ में चलकर तो उसका आपको जवाब मिल गया होगा। माननीय कमलनाथ जी चल रहे हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी चल रहे हैं, सुरेश पचौरी जी चल रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी चल रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जी चल रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चल रहे हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा चल रही हैं, पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी चल रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी चल रहे हैं, NSUI के अध्यक्ष हमारे भाई चल रहे हैं, तो सारे लोग तो चल रहे हैं। कोई अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो मुझे बताइए कि ये नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, सब एक है, पूरी तरह से एक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठित है और राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, माननीय अनिल खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब एकजुट हैं
और सब मिलकर काम कर। पहले दिन में मुझे सवाल किया गया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से राजस्थान जाएगी, उसका क्या असर होगा? आपने देखा फोटो सब छपे हैं, अखबार में छपे हैं, खबर भी आई है, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट, गोविंद सिंह दोतासरा, सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में भी ऐसे ही सफल होगा जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। और मैं आपको बता दूं, आज सचिन पायलट अहमदाबाद में है चुनाव प्रचार के लिए। तो कभी कभी ये हेडलाइन, जो हेडलाइन से जो खबर बनता है वो असलियत को दर्शाता नहीं है। हम लोग एक हैं, एकता है, एकजुट हैं, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में जहां हम चार दिन रुकेंगे और जम्मू और कश्मीर में जाएंगे, सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन में नई जोश, एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से युवा कार्यकर्ता भारी मात्रा में मुझसे मिलने आए हैं और कहा है सर हमें मौका मिला है, पहली बार राहुल जी के साथ चल रहे हैं और वो एकजुट होकर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को 2023 में ज़रूर जितवाएंगे। देखिए, भारत टूट भी नहीं सकता जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, इस देश को एकजुट रखा है और हमें यही चिंता है। राहुल गांधी जी के पूरे भाषण आप सुनिए, वे कह यही रहे हैं कि भारत को टूटने नहीं देंगे, भारत को जोड़ के ही रखेंगे। जो फिरकाप्रस्त ताकतें सत्ता में बैठे हुए लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए, उनके बीच में तनाव पैदा किया जाए, जो प्रमुख मुद्दे आम जनता के हैं उनको भटकाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा किया जाए, यही तो भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है, जिसको राहुल जी कह रहे हैं कि हम टूटने नहीं देंगे, हम जोड़ कर चलेंगे। वो हमारे ऊपर डंडे लगाएंगे और हम श्रीनगर में तिरंगा लगाएंगे, झंडा लगाएंगे, यही भारत जोड़ो यात्रा। ताराना विधानसभा क्षेत्र से सिकंदर मंसूरी, एक प्रश्न पूछना चाहता है श्रीमान कि टीवी पर जितने भी चैनल आते हैं सिर्फ मोदी जी को क्यों बताते हैं? सिर्फ मोदी जी, ये आप एक पत्र बनाइए और सारे टीवी चैनल के मालिकों को लिखिए कि ऐसा क्यों करते हैं। श्रीमान हर बार राहुल जी की या कांग्रेस की अच्छी बात तो चलिए नहीं बताए, आगे बढ़े। तमाम पदाधिकारियों के नाम लिए कि हमारे साथ कदम मिलाकर अभी चल रहा है जी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हमने सामने से सर, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यकर्ता जो दो दो तीन तीन दिन से एक इवेंट के लिए मेहनत करते हैं, उनको राहुल गांधी जी से नहीं मिल रही है, उनमें निराशा है, तो कार्यकर्ता ही नहीं नहीं हो पाते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, यात्रा भी करना है, एक डेकोरम में बनाना है, यात्रियों को कुछ विश्राम भी चाहिए, उनको कुछ निजी पल भी चाहिए। और माननीय राहुल जी तो आप देख रहे हैं, आप अभी अगर आप उनके साथ चले हैं तो वो तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक को गले लगाते आए, तो ये रहता है कितने भी। और हम लोगों ने, राहुल जी ने अभी हम लोगों को ये आश्वस्त भी किया, आज मैं उनके साथ चल रहा था, मैंने भी ये बात की थी कि बहुत सारे हैं, संख्या अधिक है और आपको यात्रा पूरी करना है, मध्यप्रदेश में समय कम है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि यात्रा पूरी होने दीजिए, जो हमारे कार्यकर्ताओं की ये कमी उनको महसूस हो रही है इसको भी मैं पूरा करूँगा, मध्य प्रदेश आऊँगा और सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलूँगा। हो गया अभी लास्ट क्वेश्चन सर, सिंधिया जी जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे तो उन्होंने दो बहाने बनाए, एक था अतिथि शिक्षकों का और एक था किसानों की कर्ज। अब चूंकि सिंधिया जी चले गए, सरकार गिर गई, तो अभी इस यात्रा से सरकार बनने की संभावना लगभग जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी बहुत किसानों की कर्ज माफी और जो आउटसोर्स पर कर्मचारी जितने भी शासकीय विभाग है आज की विधि में मैं आपका प्रश्न समझ जवाब देता हूँ। आपने प्रश्न की शुरुआत की थी किस शब्द के साथ? नहीं, और जोड़ा क्या था? बहाने। आपने अपने प्रश्न का जवाब दिया, मुख्य मुद्दा वो नहीं था। दूसरा, मैं आगे कहता हूँ,
ये चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो, संविदा पे लगे हुए आउटसोर्सिंग के हर विभाग की ये बात हो, ना सिर्फ अतिथि शिक्षकों की। माननीय कमलनाथ जी से हम लोगों की चर्चा हुई है और उन्होंने हम लोगों को इस काम पे लगाया भी है। अब मान के चलिए कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव का पहले का संकल्प पत्र आएगा, आज मैं कहूँ तो अच्छी बात नहीं है, वो संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसमें इन सब मुद्दों को सरकार हमारी बनने जा रही है, हम जनता के सामने रखेंगे किस ढंग से इसको पूरा किया जाएगा, और जो आपके प्रश्न का जवाब है वो हर व्यक्ति को मध्य प्रदेश के मिल जाएगा। थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़कर गए, मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड या बंगलो पर रहना चाहते थे, यही दो कारण थे, ये सब बहाने थे, ये बिल्कुल असली कारण नहीं था। एक सवाल जो किया गया, बार बार मुझसे पूछा जाता है, मैं इसके बारे में एक दो मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने आपको कहा था कि कई लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, प्रधानमंत्री की नीयत के कारण, प्रधानमंत्री के नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही आज हकीकत है, और इन तीन कारणों से भारत टूटने की संभावना बढ़ी है और उसको रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। थैंक यू आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।